गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो ये आपको साफ साफ बता रहा है स्क्रीन के हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपको पता ही है। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, काउंटेड बी द बायोलॉजी, द केमिस्ट्री, द मैथमेटिक्स एंड ऑल, राइट, अबाउट द चेंजेस, जो भी चेंजेस और बदलाव हुए हैं उसके बारे में तुषार भाई ने उनके पहले वीडियो में आपको बताया। मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं, भूल जाओ तो देख लिया करो वहां जाके। जो भी उन्होंने समझाया वो देखो, समझो, पढ़ो उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ने की कोशिश में हम लोग जा रहे हैं चैप्टर में, और मैं उठा रहा हूं स्पेशली ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है और असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन के साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं। यहां 5 हैं, एग्जाम में 4 होंगे, एक आध हट जाएगा, कौन सा हटेगा वो भी मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं। ध्यान से पढ़िए इन ऑप्शंस को। आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक का नाम होगा असर्शन, एक का नाम होगा रीजन। आपको पढ़ना है कि पहले दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, अगर, और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपको निकालना है। कैसे निकलेगा कंक्लूजन, आप देखोगे, राइट और नॉट, आप देखोगे कि अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है, ठीक है, तो आप मार्क करोगे एक। कब? अगर रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। एग्जाम्पल देता हूं, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल है, श्योर। हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो वो वापस नीचे आता है, ये असर्शन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज है। दोनों स्टेटमेंट सही है? हां, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? हां भाई, क्योंकि ग्रेविटेशन है इसलिए तो चीज नीचे वापस आ रही है। ओके, इसका मतलब हम ए मार्क करेंगे। बट मान लो दोनों सही होते बट दूसरा वाला पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जैसे कि एक कॉइन हम टॉस करते हैं, वो कॉइन नीचे आता है, बढ़िया आ रहा है, आने दो उसको यार, क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट है बिल्कुल इत्मीनान से, अर्थ में पानी पाया जाता है। तो क्या क्योंकि पानी पाया जाता है इसलिए सिक्का नीचे आ रहा है? नहीं ना, गलत हो गया। बट दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब है हम ब्रावो को मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा रहा हूं। इसके बाद क्या आएगा? इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो मैं बोल देता हूं सिक्के को ऊपर उछालो सिक्का नीचे आएगा, ये बात सही है। दूसरा बोलूंगा अर्थ में बहुतायत में, बहुत सारी, इन अ वेरी हायर डेंसिटी, अर्थ के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है, तो गलत है, हाँ है ना, अर्थ में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं पाई जाती है, राइट और नॉट, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्लियर। इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत हो गए। इफ असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो देखो इन दोनों में से आपको एक ही मिलेगा आपके पेपर में, या तो ये वाला हट जाएगा या ये वाला हट जाएगा, दोनों में से कोई एक हटेगा। सॉल्व कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया? बिल्कुल, मैं आपके सामने स्टेटमेंट रख रहा हूं, बढ़िया आराम से करो, समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल प्लैनेट्स डू नॉट, हाँ ये बात सत्य है कि स्टार चमचमाते हैं और प्लैनेट्स नहीं चमचमाते। रीजन, द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन इन प्लैनेट, गलत। क्यों नहीं चमचमाते? क्योंकि प्लैनेट्स हमारे पास हैं, ठीक है, और स्टार्स हमसे दूर है। तो ये बात सत्य है कि स्टार्स बहुत बड़े होते, सन बहुत बड़ा है मरकरी वीनस अर्थ मार्स से, क्लियर और नॉट, शॉ बात समझ रहे हो बात को, राइट और नॉट, क्लियर 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 क्लियर, शॉ। तो सुनो, यही कारण है बेटा कि मैंने ये टॉपिक उठाया है असर्शन एंड रीजनिंग का, बस यही कारण है, सिंपल मात्र सीधा साधा यही कारण है। क्योंकि आप जब ये 10 असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे ना, आपके चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई इतना ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है। लाइट नाम का चैप्टर बिल्कुल चिंटू चैप्टर है, आसानी से बनेगा, क्लियर, शॉ। आगे बढ़े, बढ़िया, तो ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा क्या कि भाई इसका आंसर होना चाहिए ए ना बी, हां दोनों बातें सही हैं, हां, लेकिन जो दूसरा वाला है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन का कारण साइज से नहीं, क्लोजनेस से है, पास या दूर होने से है, ये ट्विंकलिंग का कारण, ठीक है,
इसलिए ब्रावो सही है, अल्फा सही नहीं है, यानी कि दोनों बातें सही है बट दूसरी बात पहली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही। क्लियर। अब जाते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? इन अ मूवी ऑर्डिनरीली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ये बात सच है। क्लियर। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ आई इज सस्टेन्ड अप टू 1/10 सेकेंड्स आफ्टर द रिमूवल स्टिमुलस। ऐसा नहीं है, हमारे देखने की स्पीड 1/6 है। क्लियर। बात समझ में आ रही है? हमारी देखने की स्पीड की बात अलग है, इमेज सस्टेन होने की बात अलग है। ना 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 ना, ऐसा तो देखने के बाद हम बंद कर रहे हैं, हमें अभी भी दिख रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसे तो गड़बड़ हो जाती है यार, चीटिंग कर लेता मैं एग्जाम में। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है तो आपको फिर से याद दिला देता हूं बेटा। ए मतलब दोनों करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। बी मतलब दोनों करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी मतलब असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट ही नहीं है। करेक्ट नहीं होगा तो एक्सप्लेनेशन होने की बात भी नहीं है। डेल्टा। क्लियर। डेल्टा में क्या है भाई? डेल्टा में क्या है भाई? डेल्टा में क्या है भाई? डेल्टा में है आपके लिए, डेल्टा में है आपके लिए, डेल्टा में है आपके लिए क्या? असर्शन गलत और रीजन भी गलत। और ई में है आपके लिए असर्शन गलत, रीजन सही। समझ में आ गया? याद रहेगा बिल्कुल आराम से। एक बार और वेरीफाई कर लो, मेरे को भी शक है थोड़ा सा। तो ये रहा, देखो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू मतलब पांचवा, दोनों गलत मतलब चौथा। क्लियर। मोस्टली आपके एग्जाम में बेटा इन दोनों में से कोई एक गायब रहेगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये वाले का हो गया भाई, असर्शन सही है, रीजन गलत है। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। बिल्कुल, ब्लू कलर के पास स्कैटर होने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। बात तो सही है। ब्लू कलर है शॉर्ट, हाँ क्यों होती है? अरे वाह यार, ये तो क्यों भी लिख रहा है, कितना सुंदर सवाल है ये तो। क्लियर। तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट भी है। अगर आपको याद होगा विब ग्योर से हम जाते हैं जब वायलेट इंडिगो ब्लू से, तो ये वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। बिल्कुल आराम से, कोई डाउट नहीं, पक्का। एज अ कॉम्बिनेशन इन एयर इनकी स्पीड सेम होती है, याद रखिएगा। स्पीड को हम, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, ये एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है। तो दोनों बातें सत्य हैं और दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो मतलब कि 1, 2 और 3 अल्फा आंसर होगा। बिल्कुल सरल होगी बात, याद रखना वो दिमाग में। बिल्कुल मैं जानबूझ के यहां पे नहीं लिखा, मैं चाहता तो यहां पे वो चारों ऑप्शन लिख सकता, मैंने जानबूझ के नहीं लिखे, दिमाग में डालो। अगला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज √6 एंड दैट ऑफ अ लिक्विड इज √3। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या बोलते हैं √6 एंड दैट ऑफ ए लिक्विड इज √3। इफ लाइट, देखो ये जरूरी नहीं है कि हमें याद हो, ये बात सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डायमंड टू द लिक्विड, फ्रॉम डायमंड, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, राइट और नॉट, इट विल टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। इट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। बिल्कुल गलत। क्यों गलत बताओ? क्योंकि वो तो टोटली रिफ्लेक्ट होने की बात तो ऐसे होगी, आया ना? क्लियर और नॉट? श्योर गलत है, 30 डिग्री पे नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, रीजन में क्या लिखा हो? क्योंकि देखो हो सकता है दोनों गलत हो, अगर दोनों ही गलत होंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा, लेकिन सिर्फ असर्शन गलत होगा और रीजनिंग सही होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, राइट और नॉट? क्लियर। जिस प्रकार के हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उस हिसाब से। तो हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि म्यू इक्वल टू 1/sin c। बिल्कुल सही बात है ये, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल ज्यादा सत्य है ये, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से सॉल्व हो गया। क्यों? बिल्कुल ध्यान से देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में TIR में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ TIR परफॉर्मिंग मीडिया विच इज द डायमंड ओवर हियर इज 1/sin c, वेयर c इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ये एक्स्ट्रा ज्ञान की बात याद रखने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन वैक्यूम. डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन वैक्यूम. पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि सारे कलर एक साथ घूमते हैं, नहीं तो हमें हर कहीं इंद्रधनुष दिखाई दे रहे होते. वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया. ये बिल्कुल सत्य बात है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, वेवलेंथ चेंज होती है. इसलिए फिर से वही बात हो गई, ये तो ई वाली बात हो गई, है ना. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्या बोलता है भाई, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज एफ. ठीक है, बहुत खुशी की बात है. एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस. भैया पकड़ो ध्यान से इसको, ये बहुत ही खतरनाक है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, थोड़ी देर के लिए कोई मिरर नहीं दिया हुआ है, ठीक है. तो ये फोकल पॉइंट है, इससे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो यू है, ठीक है, फाइन. द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज एफ बाई यू. तो देखो, अगर एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से निकल, राइट और नॉट. सो देखो, ये तो साफ बात है मैग्निफिकेशन, राइट और नॉट, क्लियर. मैग्निफिकेशन जो होता है वो साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, वहीं से ये निकल के आएगा एक्सप्लेनेशन. तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो आंसर ए होगा, वरना आंसर बी होगा, नो डाउट इन इट, फाइन. आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना क्या बोलती है बात, कि ये हो गया, फाइन, श्योर. अब देखो, मैग्निफिकेशन का एक और मॉडिफाइड फॉर्मूला है एफ अपॉन एफ माइनस यू, वेयर यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. अब अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल नापने निकलते हो तो आपको मिलता है, समझ में आया, एफ अपॉन एफ माइनस एफ प्लस यू, कैंसिल एफ बाय यू, और मैं मुस्कुरा रहा हूं. नेगेटिव साइन पे ध्यान मत दीजिए, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, उसके हिसाब से नलीफाई हो जाएगा. रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट, बात समझ में आई बिल्कुल आराम से. श्योर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन हो गया ये मेरा, क्योंकि ये जो खेला है ना इसने फ्रॉम द फोकस, इसने इस क्वेश्चन को बहुत सुंदर बना दिया. लिख के रखेंगे, बहुत बढ़िया. अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा. द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डज नॉट चेंज व्हेन रेड लाइट इज रिप्लेस बाय ब्लू लाइट. नो, ये तो गलत बात है. इट विल चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ. ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट यूज. बिल्कुल गलत बात है, इट डू डिपेंड ऑन द कलर, बिकॉज वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी है. शो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से. तो क्या होगा, दोनों बातें गलत हो गई, दोनों बातें गलत है ना, डेल्टा. नेक्स्ट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑकर्स बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट. बिल्कुल इत्मीनान से सुनना, कोई बात नहीं. डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑकर्स बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स कलर. ये बात सही है, वेवलेंथ के कारण स्प्लिट हो जाते हैं और फिर हमें बहुत सारे कलर दिखाई देने लगते हैं. ये डिस्पर्शन की ट्रू डेफिनेशन है. द डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, नॉट अपॉन द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म. दोनों बातें सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे है ना एक दूसरे को. तो बातें दोनों सत्य है, दोनों बातें सत्य है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि बी आएगा. क्लियर, ए में क्या होता, दोनों सही और दोनों पे एक्सप्लेनेशन की भी बढ़िया क्लैरिटी है. क्लियर, अगले क्वेश्चन को जा रहे हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू फोटोग्राफ अ वर्चुअल इमेज. ये असंभव है कि हम एक वर्चुअल इमेज की फोटोग्राफ लें. बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज नहीं बोलते, है ना. क्लियर, शो गलत. बेटा गड़बड़ है ये, ठीक है, ये गलत बात है. हम ले सकते हैं एक वर्चुअल इमेज की फोटोग्राफ. द रेज विच अपियर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज फॉल ऑन द कैमरा एंड अ रियल इमेज इज कैप्चर्ड. ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. मेरी आंख दिखती आंख को, जैसे आपको एक वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है ना, दिख रही है ना ऐसे, वैसे कैमरे की भी आंख को दिखाई देती है. तो ये रीजन सही है, असर्शन गलत है. यानी कि क्या बात हो गई, ये ई वाली बात हो गई, क्योंकि डी में क्या होता, दोनों गलत होते हैं, हाँ है ना. यहां पे असर्शन गलत सही है, रीजन क्लियर, असर्शन गलत है और रीजन सही है, राइट और नॉट. शो दोनों गलत होते तो डी, क्लियर, शो बढ़िया. आगे बढ़ते, क्या कहती है कहानी. The cloud in sky generally appear to be whitish
डिफ्रैक्शन ड्यू टू क्लाउड इज एफिशियंट इन इक्वल मेजर्स एट ऑल वेवलेंथ। हाँ 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 ऐसा थोड़ी ना होता, गलत है ये, सही है। द क्लाउड इज जनरली अपियरिंग टू बी व्हाइटिश, राइट, बहुत लाइट ब्लू व्हाइटिश, क्लियर। ये बात बिल्कुल सच है, यानी कि असर्शन सही है और रीजन गलत है, यानी कि सी हो जाएगा। असर्शन सही, रीजन सही, एक्सप्लेनेशन सही ए, असर्शन सही, रीजन सही, एक्सप्लेनेशन गलत बी, असर्शन सही, रीजन गलत सी, दोनों गलत डी, असर्शन गलत रीजन सही ई, क्लियर। बढ़िया, याद रखेंगे ये रहे 10 क्वेश्चन, और क्वेश्चन आते जाएंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजें समझ में आएंगी। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।